हाई एवरी वन सो वेलकम टू द सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर फाइव एंड वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द टॉपिक फोर्थ जनरल इलेक्शन नाइनटीन सिक्सटी सेवन तो अभी तक हमने पढ़ा था कि कैसे जो कांग्रेस है वो किस किस चैलेंज से गुजरेगी फोर्थ जनरल इलेक्शन के अंदर और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कैसे कांग्रेस के खिलाफ खड़ी होना शुरू कर रही थी जो कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो कि राम मनोहर लोहिया ने दी थी नॉन कांग्रेसिज्म राइट अब हम पढ़ने वाले हैं कि क्या रिजल्ट निकलेगा फोर्थ जनरल इलेक्शन का राइट right? तो ये जो इलेक्शंस हुए थे वो थे फेबर के अंदर 1967 में आपको पता है कि जो आपके पहले तीन इलेक्शन थे जनरल उसमें क्या था नेहरू जो हैं वो थे फिफ्टी टू फिफ्टी सेवन एंड सिक्सटी टू के अंदर तीनों टाइम थे नेहरू एज ए लीडर पर अब क्या होते सिक्सटी फोर में जो है नेहरू की डेथ हो जाती है देन कम्स इन सिक्सटी फोर लाल बहादुर शास्त्री जी सिक्सटी सिक्स में ये भी चले जाते हैं अब सिक्सटी सिक्स में जो है इसी क्योंकि पांच साल खत्म नहीं हुए थे और कांग्रेस जो अपने अलग लीडर को खड़ा कर रही थी कि इनकी जगह आप ये ले लेंगे दोबारा से इलेक्शन कराने की जरूरत नहीं है तो सिक्सटी सिक्स में इंदिरा गांधी आती है अब क्या होता है टर्म खत्म हो जाते सिक्सटी सेवन में अब ये पहला ऐसा इलेक्शन था जहां पे नेहरू जो है वो नहीं है कांग्रेस के साथ कौन है लीड में इंदिरा गांधी अब हम पढ़ेंगे ये वाला जो इलेक्शन था उसे पॉलिटिकल अर्थ को क्यूँ बोलते हैं जो कांग्रेस है उसका जो डोमिनेंस है वो खत्म होना शुरू हो जाता है अभी आप देखोगे कि जो कांग्रेस है वो लोकसभा में मेजोरिटी तो पा लेती है पर आज तक यानी कि 52 से फिफ्टी टू से जब से इलेक्शन होते आए हैं तब तक इतनी कम सीट्स और इतने कम वोट्स कभी भी कांग्रेस को नहीं मिले जितने 67 में मिले हैं फोर्थ जनरल इलेक्शन के अंदर और जो इंदिरा गांधी हैं उनकी जो कैबिनेट थी 66 के अंदर उसमें से 50% परसेंट मिनिस्टर्स जो है वो हार जाते हैं दे देवर डिफीटेड इन दिस इलेक्शन जैसे कि के कामराज तमिलनाडु के एस के पाटिल महाराष्ट्र के अतुल्य घोष वेस्ट बंगाल के एंड के बी साहे बिहार के तो आप इसमें से दो एग्जाम्पल लर्न कर सकते हो मुझे सबसे इजी के कामराज तमिलनाडु और अतुल्य घोष जो है वो वेस्ट बंगाल लगता है आप दो कर लो कि इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स जो हैं वो भी हार जाते हैं इन इलेक्शन में यानी कि एमपी नहीं बन पाते हैं ठीक है जो कि पहले कैबिनेट में है तो कैबिनेट में आने के लिए पहले एमपी बनना पड़ेगा फिर कैबिनेट में आ सकते हैं अब हम पढ़ेंगे स्टेट लेवल पे स्टेट लेवल पे और भी गिराव आया कांग्रेस के अंदर आप देखोगे सात स्टेट्स जो है इंडिया की उनमें पहले तो कांग्रेस को जो है मेजोरिटी नहीं मिलती है और दो स्टेट्स में क्या होता है कांग्रेस जो है वो बन भी जाती है वहां पे लीड भी कर रही होती है पर फिर भी वो जो लोग हैं वहां के लीडर जो हैं वो वो डिफेक्शन के थ्रू कांग्रेस को हरवा देती हैं तो इन टोटल क्या है नाइन स्टेट्स के अंदर कांग्रेस नहीं बन पाती तो ये डिफेक्शन का जो प्रोसेस है वो हम आने वाले टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे पांच मिनट बाद ठीक है तो कि डिफेक्शन होता क्या है अब अगर हम देखें कि कौन कौन सी स्टेट्स थी जहां पे नहीं बना था कांग्रेस का रूल इफ यू विल ओपन योर पेज नंबर एटी नाइन ऑफ योर बुक तो उसके अंदर आपको शो किया गया है रेड कलर के स्टेट्स को कि यहाँ पे कांग्रेस नहीं थी तो आप देखोगे एक बेल्ट की तरह बन गए ये जो ये ऐसे आप जाओगे तो आप विजुअलाइज करके लर्न कर सकते हो कि राजस्थान पंजाब पहले हरियाणा पंजाब का ही पार्ट था फिर ये यूपी आ गया फिर बिहार आ गया झारखंड बिहार का पार्ट है यहाँ पे जो आपका उत्तराखंड है वो यूपी का पार्ट था तो उसके बाद वेस्ट बंगाल में भी नहीं बनी कांग्रेस की सरकार उसके बाद उड़ीसा में भी नहीं बनी और साउथ की दोनों स्टेट्स केरला और तमिलनाडु यहाँ पे भी जो कांग्रेस है उनकी नहीं बन पाती सरकार ठीक है तो एक दो फिर ऊपर ये वाली बेल्ट थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड योर गोवा राइट ये गोवा आपकी तो आप ऐसे मैप को देख के आपको बिल्कुल लर्न हो जाएगा आप ये पेज नंबर खोल के लर्न कर लीजिए एक सबसे ज्यादा स्पेशल स्टेट जो है इस समय पे वो थी मद्रास की स्टेट तमिलनाडु जो कि आज का तमिलनाडु है उससे पहले मद्रास बोला करते थे तो यहां पर एक डीएमके नाम की पार्टी जो है वो जीत जाती है डीएमके की फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र खजगम ठीक है तो ये जो पार्टी है वो एंटी हिंदी प्रोटेस्ट कर रही थी क्योंकि जो सेंटर है वहां से कई लोग चाहते थे कि हिंदी को क्या है लैंग्वेज सभी के ऊपर इम्पोज कर दी जाए तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहे थे फिर एक बार सबसे पहली बार ऐसा हुआ कि जो नॉन कांग्रेस पार्टी है किसी भी स्टेट में वो मेजोरिटी से जीती है क्लियर मेजोरिटी थी डीएमके की मद्रास में ठीक है उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कि यहाँ के जो डीएमके के लीडर हैं जो सीएम बनेंगे वो कौन थे सो यू कैन सी द पिक्चर इनका नाम था सी नटराजन अनादुरई ठीक है ये सीएम बनते हैं ये जर्नलिस्ट भी थे देन पॉपुलर राइटर एंड ओरेटर भी हैं और ये पहले जस्टिस पार्टी में थे फिर इन्होंने द्रविड खशगम में अपना मेंबरशिप ले ली फिर इन्होंने 1949 के अंदर यानी कि आपको जब आजादी मिली थी उसके दो साल बाद इन्होंने खुद की अपनी पार्टी बना ली थी डीएमके ठीक है द्रविड मुनेत्र खचगम मतलब इसी से रिलेटेड थी पर अलग पार्टी बना ली थी और ये द्रविड कर, कल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे यानी कि साउथ इंडिया का जो कल्चर है उसे प्रमोट करते थे नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक अभी हमने पढ़ लिया की क्या क्या रिजल्ट निकला नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे राइट right? अभी हम जाएंगे अगले टॉपिक पे की इस इलेक्शन का क्या क्या फीचर था राइट right? तो पहला फीचर तो हमने पढ़ लिया की कांग्रेस की पूरी बैंड बच चुकी थी नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे ज्यादा ठीक है नाइन स्टेट्स में जो है वो इनकी सरकार नहीं बन पाई थी ठीक है और आपने पढ़ लिया कि द्रविड़ मुनेत्र खजगम ने मद्रास में अपनी बनाई थी आ, रूल मतलब रूल क्या था और जो बा, बाकी जो एट बच गए है ना जो स्टेट्स बच गए हैं वहां पे नॉन कांग्रेस पार्टीज ने अपनी कुलिजन बनाई थी अब ये कुलिजन क्या होता है कोलिजन होता है एक तरह से आपने ग्रुप बना लिया पार्टीज का जहां पे आप कह रहे हो कि हाँ हम सारे इकट्ठे मिलके काम कर लेंगे ठीक है दो तीन पार्टीज मिलके ताकि वो जो जितना कोटा है कि पूरा करने है मेजोरिटी में आने के लिए तो फिर वो एक दूसरे के साथ ऐसे अग्रीमेंट कर लेते कि वी विल बी मेकिंग द गवर्नमेंट टुगेदर ठीक है तो कोलिजन जो है वो एक नया फीचर आया अभी क्या हुआ कि आठ जो मैंने आपको बताया नाइन स्टेट्स में नहीं बन पाई थी कांग्रेस की सरकार एक में तो एक ही पार्टी ने रूल किया मद्रास में बाकी की आठ में क्या हुआ था कुलजन बनी थी और इन कुल्यूजन को बोला जाता था ज्वाइंट लेजिसलेटिव पार्टीज ठीक है ज्वाइंट है मतलब इकट्ठी मिलके बन रही है टुगेदर राइट और इन्हें हिंदी में बोला जाएगा ज्वाइंट को बोलते हैं संयुक्त तो आपको पता है लेजिस्लेटिव को बोलते हैं विधायक और पार्टीज को दल ठीक है संयुक्त विधायक दल जिसे कि एसवीडी गवर्नमेंट भी बोला जाता है यानी कि कोलिजन वाली गवर्नमेंट संयुक्त विधायक दल गवर्नमेंट ठीक है और आपको दो एग्जाम्पल दे रखे हैं आपकी बुक में एक बिहार का एग्जाम्पल और एक पंजाब का एग्जाम्पल अगर आप अब देखोगे क्या है यहाँ पे एक दिक्कत है आप देखोगे बिहार के अंदर जो एसवीडी गवर्नमेंट बनी थी उसमें एस यानी कि संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी पीएसपी प्रजा सोशलिस्ट पार्टी सीपीआई यानी कि कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और जनसंघ ने मिलकर जो है सरकार बनाई थी चार पार्टीज ठीक है आप देखोगे कि ये दोनों जो है वो सोशलिस्ट पार्टीज हैं यानी कि ये क्या है गरीबों के लिए काम करना चाहते हैं और इक्वालिटी लाना चाहते हैं सोसाइटी में उसी तरीके से सीपीआई भी सेम काम करना चाहती है कॉम्युनिज्म के थ्रू आप आइडियोलॉजीज़ में ज्यादा मैं आपको नहीं बताऊंगी आई एम जस्ट टेलिंग यू कि आपकी बुक में क्या है तो जो सीपीआई है कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसका भी कुछ ऐसी आइडियोलॉजी होती है कि जो जो बिल्कुल इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं उन्हें ऊपर उठाया जाए ठीक है और अब एक साथ में कौन सी पार्टी है जनसंघ जो कि एक राइट पार्टी है लेफ्ट वो लोग होते हैं जो कैपिटलिज्म को पसंद नहीं करते ठीक है पर राइट जो पॉलिटिकल विंग होता है उसमें क्या होता है कि आप कैपिटलिज्म को सपोर्ट कर रहे हो आप फ्री मार्केट को सपोर्ट कर रहे हो ठीक है यानी कि कॉम्पिटिशन होना चाहिए गवर्नमेंट का ज्यादा रोल नहीं होना चाहिए लोग खुद अपने साथ जो है मेहनत करके कुछ भी कर सकते हैं है ना तो इस काइंड ऑफ आइडियोलॉजी को बोलते हैं राइट विंग आइडियोलॉजी इससे उल्टी को बोलते हैं लेफ्ट जहां पे गवर्नमेंट का ज्यादा रोल हो या लोगों को ऊपर उठाने की बात हो तो आप देख सकते हो उल्टी आइडियोलॉजी वाले ही इकट्ठे काम कर रहे हैं तो वो हो नहीं पाएगा ठीक है इसलिए एक ये दिक्कत थी कि ऐसा सब कुछ हो रहा था उसी तरीके से पंजाब के अंदर पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट गव... फ्रंट की, गव... की गवर्नमेंट बनी थी ठीक है जहां पे क्या था सीपीआई एस एस पी भारतीय जनसंघ रिपब्लिक पार्टी ठीक है और सीपीआईएम यानी कि कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट आपको ये सारी शॉर्ट फॉर्म में ही दे रखी है आपकी बुक में ठीक है यू डोंट वरी कि मुझे फुल फॉर्म भी लर्न करनी पड़ेगी तो और क्या था मेन कौन थी अकाली दल की दो ग्रुप्स जो कि एक दूसरे के टकराव में ही रहते थे संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप ये दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के एक तरह से दुश्मन ही थे पर इन्होंने इकट्ठे मिलकर सरकार बनाई थी तो आप सोच के देखो जब दुश्मन दोस्ती करना चाह रहे हैं तो उसमें क्या आएगा चैलेंजेस आएंगे तो वही चीज आपकी बुक में दे रखा है ठीक है तो कोलिजन का देख लिया आपने फोर्थ जनरल इलेक्शन का अब आप समझो कि डिफेक्शन क्या है डिफेक्शन जो है एक बहुत इम्पोर्टेंट फीचर था इस इलेक्शन का जिसकी वजह से कांग्रेस की सरकार जो है वो दो जगह पर नहीं बन पाई दो स्टेट्स में आपने ऊपर भी पढ़ा था ठीक है तो अब डिफेक्शन होता क्या है देखो आप मान लो आपने जो है इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया पार्टी ए के साथ मिलके यानी कि आपने पार्टी ए की टिकट को यूज करके आपने इलेक्शन को जीत लिया जब आप जीतते हो तभी आप कहते हो भाई मैं तो बी पार्टी में जा रहा हूं दिस इज नोन एज डिफेक्शन ठीक है आप ए पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहे हो आप कह रहे हो कि आई एम गोइंग टू ए पार्टी मैं फ्रॉम ए पार्टी टू बी पार्टी आप बी पार्टी में जा रहे हो तो देट इज नोन एज डिफेक्शन तो इसका मतलब क्या है डिफेक्शन मीन्स एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड याद रखेंगे जो चुन चुका है बंदा ठीक है जिसे चुना जा चुका है वो वाला बंदा जो है वो अगर डिफे, डिफेक्ट कर रहा है यानी की अपनी पार्टी को छोड़ रहा है लीड्स द पार्टी ऑन हुज सिंबल ही और शी वॉज इलेक्टेड जिस सिम्बल से वो जीत गया उसको छोड़ के वो क्या है जा रहे है एंड ज्वाइन एन अदर पार्टी और दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर रहे है तो ऐसा कहाँ कहा पे हुआ था हरियाणा के अंदर एमपी के अंदर और यूपी के अंदर हरियाणा एमपी यूपी ठीक है अब उसके बाद आपको एक आयाराम और गयाराम की स्टोरी बताई गई है आपकी बुक में कि कैसे जो है सबसे बड़ा एग्जाम्पल डिफेक्शन का उस समय पे क्या मिला था तो आयाराम गयाराम का क्या मतलब है कि राम केम राम वेंट मतलब राम आया और फिर राम चला गया ठीक है तो ये एक्चुअल में स्टोरी है गया लाल की ठीक है ये जो एमएलए थे हरियाणा के ठीक है मेरी स्टेट के एक एमएलए थे जिन्होंने 1967 में कुछ बहुत ही अतरंगी काइंड ऑफ थिंग करी क्या कि 14 डेज के अंदर इन्होंने तीन बार अपनी पार्टी ऐसे बदली ये मतलब ये इलेक्ट हो चुके थे उसके बाद इन्होंने करी पहले कांग्रेस से यूनाइटेड फ्रंट में गए फिर वापस कांग्रेस में आए फिर वापस यूनाइटेड फ्रंट में गए यानी कि इन्होंने तीन बार जो है वो डिफेक्शन करी थी मतलब इन्हें डिसाइड ही नहीं हो पा रहा कि मैं कहा परू कहा नहीं, नहीं नहीं वो वाला अच्छा है वो वाला ये वाला बुरा है इस तरीके से जो है इनका था सिस्टम इसलिए इनका थोड़ा जोक काइंड ऑफ थिंग भी बनी ठीक है तो इसीलिए बोला जा रहा था कि आया राम गया राम ठीक है कभी आया कभी गया कभी आया कभी गया तो ऐसा हो रहा था तो आप देख सकते हो कि इससे क्या है कि ये एक बहुत सही चीज नहीं है वो क्यों नहीं है उतनी ज्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे पर क्योंकि डिफेक्शन जो है वो एक तरह से पार्टीज के साथ भी खिलवाड़ हो जाता है और लोग जिस पार्टी को शायद सपोर्ट करते हो इसी की वजह से उस बंदे को वोट दी है और वो फिर चेंज कर रहे है इसकी वजह से डिफेक्शन को जो है वो बंद कर दिया गया थ्रू एन अमेंडमेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डिफेक्शन अलाउड नहीं है ठीक है तो आपने इलेक्टोरल वर्ड पढ़ लिया कुलिजन पढ़ लिया और डिफेक्शन पढ़ लिया तो आपने देख लिया कि जो कांग्रेस है वो फोर्थ जनरल इलेक्शन में जीत जाती है पर बहुत सेटबैक पहुंचता है कांग्रेस को काफी सारी स्टेट्स में नहीं जीत पाती है अब हम अगले टॉपिक पे आ रहे हैं स्प्लिट इन द कांग्रेस कि कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में बट जाएगी वो कैसे बटेगी वो हम पढ़ने वाले हैं तो आपने देख लिया कि ओपोजिशन पार्टी को ये पता चल गया कि कांग्रेस कैन बी डिफीटेड ये बहुत मुश्किल काम नहीं है क्योंकि कांग्रेस जो है अभी कमजोर होने लग गई है पर ये बात भी उन्हें क्लियर होगी थी ऑपोजिशन वालों को कि कांग्रेस के लिए अभी कोई सब्स्टिट्यूट भी नहीं है सच यानी कि लोग किसी और पार्टी पे इतना भी भरोसा नहीं करते कि उसे जिता दें ठीक है क्योंकि अब जो ये कोलिजन गवर्नमेंट स्टेट्स के अंदर बन रही थी वो टूट भी रही थी मैंने आपको बताया क्या प्रॉब्लम थी कि कोई राइट विंग और लेफ्ट विंग वाले इकट्ठे लोग जो हैं वो एक ही कोलिजन के अंदर थे तो उनमें डिफरेंसेस थे फिर अकाली दल के संत ग्रुप और मास्टर ग्रुप उनमें डिफरेंसेस थे तो वो जो कोलिजन है वो अनस्टेबल होती जा रही थी ठीक है तो अब हम स्प्लिट के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे कांग्रेस जो है वो दो हिस्सों में कन्वर्ट uh, हो जाएगी अब सबसे फर्स्ट टॉपिक है इंदिरा वर्सेस सिंडिकेट अब आप सिंडिकेट के बारे में पढ़ो कि सिंडिकेट का क्या मतलब है तो सिंडिकेट मींस अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर्स फ्रॉम विद इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कि जो बहुत सीनियर लीडर्स थे आ, आपने पढ़ा था कि इंदिरा गांधी को किसने बनाया था पीएम सीनियर लीडर्स ने जो चाहते थे कि ये हमारे इशारों पे काम करे तो उन्हीं की बात की जा रही है उन्हें सिंडिकेट बोलते हैं एस फॉर सीनियर एस फॉर सिंडिकेट ठीक है तो ये जो है के कामराज के अंडर थे ठीक है के कामराज दिस वॉज दिस सिंडिकेट वॉज लेड बाई के कामराज यॉज द एक्स सी ऑफ मद्रास तमिलनाडु ठीक है और मेंबर्स कौन कौन से थे अतुल्य घोष एन सजीवा रेड्डी मैं उनकी भी फोटो दिखा देती हूँ आपको सॉरी आई डोंट हैव द फोटो ऑफ एन संजीवा रेड्डी पर ये जो है वो आंध्र प्रदेश के थे ठीक है तो ये भी सिंडिकेट के ये दोनों भी जो है मेंबर थे उसके बाद के कामराज के बारे में तो मैंने आपको बताया ये भी सिंडिकेट के जो है एक तरह से लीडर थे बिल्कुल सबसे High level के ठीक है ये जो है एजुकेशन uh, स्प्रेड करना चाहते थे मद्रास के अंदर ठीक है और इन्होंने क्या किया था कि ताकि एजुकेशन स्प्रेड हो मद्रास के अंदर इसकी वजह से इन्होंने ही इंट्रोड्यूस्ड मिड डे मील स्कीम आपको पता है मिड डे मील क्या होते हैं उसके बाद 63 में इन्होंने कामराज प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस uh, किया था कामराज प्लान वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है आपके पास टू मार्क्स वाला जो है उसमें से कुछ पूछ सकते हैं कि कामराज प्लान क्या है इनका कहना था कि जो सीनियर कांग्रेस मैन है कांग्रेस के मेंबर्स हैं उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए दे शुड रिजाइन ठीक है ऐसे नहीं है कि उन्होंने ऑर्डर ही कर दिया कि आप रिजाइन करो इन्होंने कहा दे शुड रिजाइन ताकि जो यंग कांग्रेस वर्कर्स हैं वो हायर पोजिशन पे आ सके सो दैट इज नोन एज कामराज प्लान वेरी इंपॉर्टेंट उसके बाद वी विल टॉक अबाउट एस निंजलिन गप्पा ठीक है ये भी जो है सिंडिकेट के मेंबर थे यानी कि सीनियर मोस्ट जो लीडर्स थे कांग्रेस के राइट तो ये मैसूर के थे के कामराज कहाँ के थे मद्रास के थे राइट निंजलिन गप्पा कहाँ के थे मैसूर कर्नाटका के ठीक है जो आज के टाइम में कर्नाटका है वहां के ये सीएम थे ठीक है और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के भी मेंबर रह चुके थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि जिसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया लोकसभा के भी मेंबर थे ये उसके बाद ही इज नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है एस निंजलिन गप्पा को मॉडर्न कर्नाटका का एक तरह से मेकर बनाने वाला माना जाता है ठीक है तो आपने के कामराज को देखिए तमिलनाडु के लिए uh, है। और मैसूर से थे एस निंजलिन गप्पा ठीक है आप देख सकते हो और मैसूर जो है वो कर्नाटका को बोला जाता है ठीक है एंड ही इज ऑल्सो नोन एज मेकर ऑफ मॉडर्न कर्नाटका ठीक है अब हम बात करेंगे कि दिक्कत क्यों अभी हम ये बात रीजन देख लेते हैं कि क्यों कांग्रेस में जो है एक डिवाइड आएगा ठीक है अब आपको देख लिया कि ये जो सीनियर लीडर्स थे ये चाहते थे कि इंदिरा गांधी जो है वो मेरे अकॉर्डिंग चले पर जो इंदिरा गांधी है आप देख सकते हो शी इज वेरी वेरी वाइज लेडी ठीक है very, very lady, वो किसी के अकॉर्डिंगली काम नहीं करेंगे वाइज को पॉजिटिवली भी ज्यादा आप नहीं लेना ठीक है क्योंकि आप देखोगे विद अपकमिंग चैप्टर्स की कैसे कैसे इंदिरा गांधी ने बहुत सारे मतलब नेगेटिव काम भी किए हैं ठीक है थीके? तो जिसकी वजह से कई लोगों का नुकसान हुआ ठीक है तो वो आप पढ़ोगे आपके चैप्टर में लिखा है दिस इज नॉट माय पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है अभी आपका सिंडिकेट को जो है इंदिरा गांधी चाहती थी कि मैं साइडलाइन कर दू मतलब मैं इनके अकॉर्डिंग काम नहीं करूंगी तो इसलिए इंदिरा गांधी ने क्या किया फ्रॉम आउटसाइड द पार्टी इन्होंने अपने एडवाइजर्स जो हैं उन्हें एक तरह से उनसे बात करती थी ये इनसे नहीं पूछती थी कि भाई मैं क्या करूं क्या नहीं करूं ठीक है तो उसके अकॉर्डिंगली तो इसकी वजह से जो सिंडिकेट के मेंबर्स थे वो बड़े खुश नहीं थे ठीक है दे वर लाइक वाई आर यू नॉट फॉलोइंग आर इंस्ट्रक्शन ठीक है इसलिए एक तो ये बात हो गया कि ये खुश नहीं थे इंदिरा गांधी से उसके बाद ये जो है इंदिरा गांधी ने लेफ्ट विंग प्रोग्राम शुरू किया था मैंने आपको बताया लेफ्ट का क्या मतलब होता है पॉलिटिकल साइंस के अंदर कि आप जो पुअर लोग हैं आप उन्हें हटा रहे हो और जो गवर्नमेंट है उसका रोल बढ़ा रहे हो कि गवर्नमेंट जो है पूरी कंट्री के पुअर लोगों को सपोर्ट करेगी ताकि वो अपनी बेसिक नीड्स जो है वो पूरी कर सके तो अभी इन्होंने एक टेन पॉइंट प्रोग्राम शुरू किया ठीक है लेफ्ट बिंग प्रोग्राम के अंदर एक दस पॉइंट प्रोग्राम जो है वो शुरू किया जिसके अंदर इन्होंने बैंक्स और इंश्योरेंस को नेशनलाइज कर दिया यानी कि गवर्नमेंट का कंट्रोल कर दिया बैंक्स और इंश्योरेंस के ऊपर फिर अर्बन प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर एक सीलिंग लगा दी ठीक है सीलिंग का क्या मतलब होता है कि आपको इस इतनी प्रॉपर्टी से ज्यादा आपके पास अधिकार नहीं है प्रॉपर्टी रखने का इतनी इनकम के ऊपर जो होगा वो गवर्नमेंट को दे दिया जाएगा तो ये चीज इन्होंने शुरू की उसके बाद पीडीएस सिस्टम यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको पता है कि पीडीएस क्या होती है पे अनाज जो है वो बीपीएल लोगों को बांटा जाता है तो इन्होंने ये सिस्टम शुरू किया इंदिरा गांधी ने अंडर टेन पॉइंट प्रोग्राम देन लैंड रिफॉर्म्स ये बहुत ज्यादा मतलब बहुत सारी चीजें इसके अंदर तो ये एक्चुअल में ऐसा ही था कि पुअर लोगों को सपोर्ट करने के लिए लैंड के लिए क्योंकि जो जमीन है वो ज्यादा अमीर लोगों के पास होती थी तो उस चीज को डिस्ट्रीब्यूट ठीक से करने के लिए ये शुरू किया इन्होंने देन शी स्टार्टेड टू मेक प्रोविजन फॉर हाउस साइड्स टू रूलर पुअर जो गावों में रहने वाले लोग हैं उनके लिए घर बनाने का इंतजाम जमीन का इंतजाम ये सब कुछ करना जो है वो शुरू किया उसके बाद नेक्स्ट चैलेंज क्या था एक तो सिंडिकेट को साइडलाइन करना दूसरा था कि जो सिक्सटी में इलेक्शन में सेटबैक पहुंचे है कांग्रेस को ठीक है जो इतनी मुश्किल से जीती है कांग्रेस उस चीज को सही करना तो अभी तक हमने इतना पढ़ लिया ऑल अबाउट सिंडिकेट एंड अबाउट द स्प्लिट द बैकग्राउंड एक्चुअली ऑफ द स्प्लिट ऑफ द कांग्रेस Bakika topic, we will be continuing in the next part, and that will be, I think, the last part of this chapter. Meet you in the next one. Bye.